हेलो चीज गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अरिका आज फिर से एक बार खेलने जा रही हूँ GTA 4। आप लोगों ने देखा फॉस्टिन की बातों पे आके उसके खुद के डॉटर के बॉयफ्रेंड को तो मार डालती हूँ, और उसके साथ उसका जो दोस्त वगैरह था ना सभी को मैं मार डालती हूँ। उसके बाद आज तो मैं रिलैक्स से एकदम नींद वींद से उठता हूँ, तो तभी मुझे रोमैन का कॉल आता है और वो मुझे बोलता है कि वो मुझसे मिलना चाहता है। तो चलो अभी उसके पास चलते, और तभी मेरे पास दिमित्री का मैसेज आता है और बोलता है कि वी नीड टू टॉक, आई विल बी ऑन द फायर फ्ली क्या आइलैंड वगैरह वगैरह जो भी हो। तो ये जो सामने आइलैंड है ना, मेरे घर के बगल में ही एक आइलैंड है, उसके पास ही वो बैठा हुआ है। तो मुझे कॉल करके बताता है कि बहुत अर्जेंट है, तुम मुझसे मिलो तो जो भी हो, क्योंकि ऐसे तो आता नहीं है कभी, तो आया है मतलब कुछ तो गड़बड़ वाली सीन आज होने वाला है। तो चलो अभी फटाफट से चलते हैं लोकेशन पे। सो ऑलराइट, तो फाइनली देखो मैं आ चुकी हूँ लोकेशन पे। जैसे ही आती हूँ ये देखो आ चुका है। अभी मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है यार। क्या हुआ भाई, ऐसे बैठा क्यों है, कुछ बोल तो नहीं रहा है, कैसे बैठा है देखो। हाँ हाँ भाई, तू ना भी बोलता तब भी हम बैठ ही जाते। What's the problem? What do you think? मैं क्या सोचूंगी, मेरे दिमाग वैसे भी खाली ही है। मिस्टर फाउस्टन। बोल भी ले भाई। You're given a choice. कैसा choice? Kill your best friend or die. What do you do? Of course मैं अपना best friend को मार देता, इतना भी महान नहीं हूँ मैं। Not after you killed Petrovic's son. You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want to badly enough. भाई ये चल कर रहा है। But you and Mikhail, you have so much history. मुझे जरूर मतलब एकदम पक्का मैं 100% श्योर हूँ ये बुड्ढा जरूर किसी को मारने का प्लान कर रहा है। So they want me too. No. I told them you were a hired gun. And they said, as long as you were the one to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. हाँ भाई इतना हाँ मत, डिसीजन बता अपना। While and heading for the club, do what you have to do. Okay. You know, if there's one thing I've learned, क्या भाई? It's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Niko Bellic, but we cannot change the rules. हाँ भाई समझ गया, दिमाग में घुस गया मेरा, टकले दिमाग में। भाई ये तो शाना निकला यार, मुझे नहीं लगा था ये इतना शाना निकलने वाला है। अब मैं बताती हूँ पूरा स्टोरी आप लोगों को। ऐसा है कि फॉस्टिन को तो आप लोग पहचानते हो है ना, तो पहले मेरे को गाड़ी दे दे बुड्ढे टकले, मेरे को गाड़ी दे दे। चल मेरे पास गाड़ी नहीं है एक्चुअली, गाड़ी गायब हो जाता है आप लोगों को भी पता है। अभी ऐसा है, दिमित्री एंड फॉस्टिन बहुत अच्छा क्लोज था। दिमित्री फॉस्टिन का होके काम करता था, ऐसा नहीं कि फॉस्टिन उसका बेस्ट फ्रेंड है, बट पता नहीं कौन से बेसिस पे उसने ऐसा मतलब क्लेम किया कि अगर बेस्ट फ्रेंड, जो भी उसने डायलॉग मारा अभी इधर पे, तो जो भी हो तो वो हिसाब से फॉस्टिन का लिए वो काम करता था। जो भी हो अभी वो चाह रहा है कि फॉस्टिन को उड़ा देने के लिए, मतलब फॉस्टिन अगर उड़ जाएगा तो हिसाब से ये ऊपर में लीड करेगा, ऐसा हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना बात को। तो अभी फॉस्टिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसको मार के उड़ाना थोड़ा सा मुश्किल तो होने वाला है, बट अपने लिए कोई बड़ी बात है क्या? खाना भी ना खा लेते पहले खाना ज़रूरी है मेरे लिए यार, कुछ भी हो जाए। तो अभी इधर पे खा पी लिया मैंने, अभी चलते हैं एकदम से, ठीक है ना। उधर मार खाए क्या हो जाए मेरे साथ वो तो पता नहीं, फिर खाने नहीं देगा तो मैंने खाना पीना खा लिया। एंड ऑल राइट गाइस, फिलहाल के लिए देखो फॉस्टिन भी उसके गुंडों के साथ फिलहाल के लिए पहुँच चुका है लोकेशन पर। एंड इधर पर अभी तो तबाही होने वाला है, बट क्या होने वाला है वो पता नहीं। तो अभी इधर पर मुझे दिमित्री का फिर से मैसेज क्या लिखा, देयर कैन बी नो मिस्टेक्स विद दिस, मिखेली is a dangerous man, I have left some protection for you, okay, around the side of the club. अच्छा तो इधर ही साइड पे, अरे बारिश हो रही है यार, अभी इधर ही साइड पे कहीं पे कोई प्रोटेक्शन वगैरह उसने रखा है। अरे पहले ही दे देता ना जब मिला था भाई, ऐसे ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। तो अभी ढूंढना पड़ेगा यार, तो कहाँ पे रखा है यार, इधर पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्लब तो इधर है भाई, इतना दूर में रखा होगा क्या, अभी डस्टबिन में रखती है। दिख गया, वो देखो 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 ये क्या है, जो भी है भाई चलो। अभी इधर पे मुझे आर्मर दिया, ओके ठीक है समझ गया मैं, आर्मर दिया कि वो लोग अगर मारेगा भाई मेरे टकले के लिए भी कोई आर्मर दे देता सर पे मारेगा तो मैं तो पूरा
हो भाई साहब, इधर पे तो ऑलरेडी भाई मेरे को लगा ही था थोड़ा सा देखो भाई, प्रोटेक्शन हाई होने वाला है। यू क्या एंड भाई भौंक भी ले भाई। गार्ड्स, भाई साहब इधर पे सी वो माय भिरा के साइड व्हाइल भाग यू गया आर अभी। शिट 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 शिट, काफी ज्यादा पंगा लग गया इधर पे तो भड़ के। भाई पैसा पहले जरूरी है मेरे लिए, पैसा ले लेती हूँ पहले, फिर मैं फॉस्टिन को मारूंगी। मेरे को भाई, भाई 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 चलो, और एक नोट का बांडिल दिखा था मैंने तो हटा दे। अभी ये निकल गया तेरे की, भागा यार ये तो। अश भाई भाई भाई, भाई मुंह के सामने ये लोग खड़ा है। अभी मैं इसको कैसे पकड़ूं मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है। तेरी यार मानना नहीं है मेरे को, सबको मानना नहीं। इधर पे फॉस्टिन इज द मेन टारगेट ऑफ मी, बट मैं कैसे पकड़ू वही समझ नहीं। कहाँ भाग गया भाई, इधर से बाहर चलो पहले चलते हैं। ओह भाई 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 भाई, इधर पे ऑलरेडी इधर पे बहुत सारे गुंडे को इसने पाल कर रखा। इधर पे कॉमन मैन इधर पे क्या घूम रहा है यार। अरे भाई भाग जा यार, मारा जाएगा तू। अभी इधर पे तो सबको तो मार दिया। अभी आई थिंक फॉस्टिन आई थिंक ऊपर की तरफ ही गया होगा। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे को लगा था कोई खड़ा है। क्या है, बिजली कड़क रहा है ऊपर, देख रहे हो भाई। चलो चलो चलो, तेरी की यार मेरा हेल्थ देखो भाई, 1 इंच पे भी नहीं है ये। मारना मत मेरे को, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इसको ना ठीक से मारना पड़ेगा नहीं तो गलत सीन होने वाला है आज। इतने छुपा हुआ है वो, ये रहा भाई। गन गिरा दे, बता दे रही हूँ नहीं तो बहुत मारूंगा। तो अभी इसने गन तो गिरा दिया, बट अभी मुझे छोड़ना चाहिए या फिर मारी देती हूँ साले को। बहुत ज़्यादा तंग करके रखा हुआ है पूरा इधर पे पूरा। मेरे को भी बहुत बोला था ना इसने। चलो आज इसका काम मैंने खल्लास कर ही दिया। अभी देखो ये नीचे कैसे पड़ा हुआ है यार। कैश मिल गया यार मेरे को, फ्री में इसके पॉकेट से गिर गया था। अभी एक काम करते, दिमित्र को कॉल कर देती हूँ। अभी उससे मुझे पेमेंट भी तो लेना है। काम तो करवा लिया उसने बट पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं दिया। बाकी वो पड़ा कैसा है देखो, अभी जैसे चुपचाप से निकल जाता है। इधर पे कोई देख ले भाई कैसे पड़ा हुआ है। देखो नीचे पुलिस भी आ चुका है, उससे पहले चुपचाप से इधर से कट लेते हैं। अभी इधर से एक गाड़ी मैंने तो जहाँ पे रखा था उधर ही सेफ है। एंड इधर पे भाई साहब मेरे को तेरा कार पसंद आया, चल निकल टकले बुड्ढे। तो अभी इधर पे मेरे को भाई ये कार मुझे बहुत पसंद है। और भी एक दो कार है इस गेम पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बाकी कार मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। एकदम गोबर वाला कार है इस गेम पे, बस साड़ी के साड़ी गेम। अभी ना इधर पे मेरा एक दोस्त, पता है ना, एक गंजरी दोस्त है मेरा, उसने मुझे कॉल करके बुलाया। तो रोमैन ने भी बुलाया था मुझे पता है, बट ये गंजरी ने भी मुझे बुलाया था। तो मैंने सोचा इसके पास पहले चलते हैं एंड इसे बात कर लेते। भाई साहब ये मेरे से क्या करवाना चाहता है मुझे नहीं पता, एंड उसने बहुत अर्जेंट बुलाया। तो लेट्स लिसन टू हिम, क्या बोल रहा है भाई। हाँ भाई, भाई ये काफ़ कैसे रहा है देखो। क्या फनी बंदा यार। लिसन डूड, यू वांट टू मेक अ क्विक बक, कम विद मी, आई गॉट समथिंग टू शो यू। देखो अभी मुझे इतना तो नहीं पता वो क्या चाहता है, बट अरे भाई यही तो व्हीकल है मेरा यार। क्या भाई कार भाई व्हीकल व्हीकल करता रहता है। व्हीकल लेके आया तेरे सामने, तेरे को दिख नहीं रहा है मेरा इतना बड़ा व्हीकल। क्या भाई क्या क्या मतलब इतना है, मेरे को भी बता थोड़ा सा। अभी चलो इधर से चलते हैं। एंड जो हुआ ना, अभी देखो पहली बात तो ये है कि इसका काम अगर मैं कर देती हूँ ना तो मुझे कुछ पैसा वैसा, मतलब पैसा नहीं है डॉलर मिलता है इसका काम करने पर। अभी चलो इधर पे इसका काम कर देते एंड देख लेते कहीं पंगा ना मतलब फंसा दे, बस उतना ही चलेगा। एंड मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर उतना औकात है या फिर इसका इतना गैंगमैंग होगा। तो अभी फिलहाल के लिए लोकेशन पे तो पहुंच चुके, बोला ना कुछ ऐसा कुछ घंटा नहीं हुआ। मेरे को लग रहा है ये जरूर इधर पे माल वगैरह लेने आया है, देखते क्या होता है। अगर पंगा लगा तो मुझे, हाँ यार कुछ लिया उसने, बोला ना पूड़िया लिया उसने। तो चलो अभी इधर से फटाफट से निकलते हैं। एंड ये पागल आदमी यार, इसका काम करने से मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, तो इसीलिए मैं बस आ जाती हूँ इसका काम करने के लिए। अभी इसको फिर से एक बार मेरे को वही लोकेशन पर जाके छोड़ के आना पड़ेगा। पता नहीं रास्ते में सोता है शायद, पता नहीं क्या करता रहता है, मुझे को तो पता नहीं एग्जैक्टली इसका क्या प्रॉब्लम है। तो चलो फटाफट से चलते हैं, इसको छोड़ दे, फिर मुझे दूसरे काम के लिए भी जाना पड़ेगा। तो ऑलराइट गाइस, फिलहाल के लिए मैं आ चुकी हूँ उसके लोकेशन में, उसे छोड़ दे एंड इधर से भागते। एंड इधर पे मुझे ना अभी पहले जाना पड़ेगा, बट उससे पहले रुको यार, ये कार मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे पता था यार पुलिस पीछे पड़ने वाला है, बट कुछ ही देर के अंदर मैं हटा भी लूँगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये कार मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है यार, इसमें ग्रिप बहुत अच्छा है एंड इसमें ब्रेक वगैरह जो भी बोलो यार भयंकर लगता है, मतलब अच्छा चलता है इसका, मतलब कंट्रोल अच्छा है, मतलब पिछले वाला कार उससे भी अच्छा है। तो हटाते ये सारे चीज़ों को एंड अभी चलते ब्रूसी के पास, ठीक है ना। रोमैन ने मुझे बोला था, ब्रूसी मुझे बुलाया है कुछ काम वाम के लिए, तो ब्रूसी के पास
चलते एंड देख लेते कि उसके पास काम क्या है। बट इधर ही ब्रूसी का तो गैरेज दिख गया दिख गया, यही रहा, मैं ढूंढ रही थी कि भाई गया किधर उसका गैरेज। तो चलो अभी बात तो कर लेते उससे, बट ये शायद उसका मैकेनिक है। अरे ये थोड़ा एरा आदमी है यार, गलत सीन कर दिया यार, लात खा के बंदा बाहर निकल रहा है यार, कोई मतलब बनता है? अभी तक बहुत एटीट्यूड दिखा रहा था, एटीट्यूड सारा निकल दिया। Pleasure to meet you too. He's not a Pollock. He's a gentleman. सुना ना अरे, तेरे मालिक क्या बोल रहा है? मैं जेंटलमैन हूँ, समझ रहे हैं ना? Okay. Sweet. What the heck? मैं नहीं क्या कर रहा था भाई? ये डगले के मतलब क्या था ये? भाई फिर से करना जरा। आ गया आपका आदमी, आप बोल टकला, ज्यादा कुंफू कराटे है मतलब मिलिट्री मैन के सामने तू करेगा? इधर ही तेरे को तोड़ के रख देगा, समझ रहे ना टकले? भाई दूर हो जा यार, तेरे से कोई हक नहीं करना चाहता यार भाई साहब। ये तो इसमें भाई भाई ये इसका कुछ अलग ही चल रहा है इस टकले का। रोमन सेड मेबी यू नीडेड सम हेल्प एंड वी नीड सम मनी रियल बैड। शिट माय बैड, या ऑफ कोर्स, लव दैट गाय, लव हिम, आई मीन ज्यादा ना बकड़ा ये चबी चेस, बट इफ आई वाज इन अ क्वीर दैट गाय वुड बी इन ट्रबल, यू नो। काम बोल भाई, काम काम, पैसा चाहिए मेरे को, पीसा पीसा दे दे मेरे को। तूड़ो के बात कर रहे, मुंह से बात आ रही है। Listen up. I know you guys need money. हाँ भाई सही समझा, पैसा के लिए ही तो आए हो, नहीं तो तेरा मुंह कौन लगता? No problem, as long as the pay is good. Sometimes people fuck other people over, okay? And the people that fuck other people need to get fucked with, especially people that don't भाई क्या बोल रहा है भाई? तू खुद तो पहले समझ ले भाई, तू क्या बोल रहा है फिर दूसरों को समझाना? What? पता था मेरे को इससे भी समझ में नहीं आएगा। How do I find them? Man, you're cold. You didn't even blink. Love that. I fucking yeah, bhai, love that. Bhai, sab samajh gaya bhai, aage bata please. Get on the computer, give me a call. They're easy to hack. Not really. All right, Brucey. I'll give you a call. Ice cold, man. Ice cold. Bhai, isko overacting ka 50 rupaye kaata yaar. क्या ओवरएक्टिंग करता है ये? अभी ऐसा है ना, देखो अभी मुझे एक कार चाहिए, ठीक है ना, नॉर्मल कार नहीं, पुलिस का कार चाहिए। बट उस पुलिस का कार को मैं लाऊंगी कैसे, है ना? तो अभी मुझे इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है, अगर मैं डिस्टर्ब करूंगी तो ये मुझे मारेगा, समझ रहे हो ना? और उसके बाद पुलिस को मैं कॉल करके बुला सकती हूँ एंड पुलिस आके इसको उठा के लेने के लिए आएगा, उठाने के लिए। एंड उसी मोमेंट में मुझे कार को चोरी करना है, ठीक है ना? तो प्लान चलो अभी सक्सेसफुल होने ही वाला है। एंड रुको यार, मुझे फ़ोन को निकालना पड़ेगा यार, बट मुझे ना पता नहीं है कि कैसे फ़ोन से डायल किया जाता है। अरे 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 अरे, ये पहले देख लेना चाहिए था यार, मेरे को पता नहीं है, कभी किसी को डायल करके मैंने कॉल नहीं किया। एक सेकेंड यार, कैसे डायल किया जाता है इसको? उत्तर की ये तो ऊपर से मारे जा रहा है, बॉडी में इसका तगड़ा वाला जोड़ है यार, क्या ही मारा है यार, पटली मार मार यार, क्या कर रहा है भाई? रुक जा, कुछ तो करना पड़ेगा। अभी मैं कोशिश कर, हो ही गया था भाई, भाई ये मेरे को मार के इधर ही हॉस्पिटलाइज कर देगा यार। रुको, कोई पुलिस का कार चाहिए, एक सेकेंड भाई, रास्ते में एक पुलिस का कार अगर दिख जाए तो भाई। ओके, दिख गया, प्लीज़ बचा लो, ये देखो ये बंदा मेरे को मार रहा है, मार, हाँ यही तो चाह रही थी मैं, तू मारेगा तभी पुलिस बाहर आएगा। और यही मोमेंट है, इस मोमेंट में मैं इस मोटे पुलिस का कार लेके भागूंगी। अब देखो पुलिस पीछे पड़ गया उसका, और यही मौका में मैं कार चोरी करने वाली हुई, यही प्लान था मेरा। तो प्लान तो सक्सेसफुल हो चुका है फिलहाल के लिए, एंड मुझे पुलिस का कार भी मिल चुका है। एंड अभी मुझे क्या करना है वो तो बाद में देखेंगे, पहले इस वांटेड लेवल से मुझे बाहर निकलना है, क्योंकि पहले बात मुझे ब्रूसी को कॉल करना है, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि क्या काम उसने मेरे लिए रखा है, ठीक है ना, क्या करना होगा क्या नहीं। सिर्फ मुझे अभी पुलिस का कार को ही चोरी करने बोला था। तो फिलहाल के लिए वांटेड लेवल से हम बाहर तो आ चुके हैं, एंड अभी ब्रूसी को कॉल कर लेते पहले, ठीक है ना? I'm here. I have a computer. You're a badass, man. I love it. Now this cat's name's Lyle Reavis. राइट गाइस, इसका फालतू सब बातें को हम स्किप करते हैं, एंड मैं बताती हूँ क्या हुआ। अभी इसने बोला कि कोई बंदे को मुझे ढूंढना पड़ेगा, लाइल रिवर्स बोल के कोई एक बंदा है, ठीक है ना, ये देखो नीचे भी लिखा हुआ है एलॉय लाइल, जो भी नाम है इसका, लाइल रिवर्स बोल के कोई बंदा है, उसका मतलब उसका रिकॉर्ड्स मुझे पुलिस का इससे मतलब निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि रेडर में आ जाएगा ना। तो इधर पर लिख लेते पहले, LYLERIVS था ना, RIVAS, चलो लिख लिया, अभी इंटर करके देख लेते। ओके आ रहा है, कोई तो आएगा, पता नहीं कौन आएगा। एंड
ओके, तो इसका ये ब्रोकर है एंड एक करता है ड्रग ट्रैफिक। ओके, तो ड्रग सेल करता है इसीलिए इसको पुलिस पकड़ना चाहता है। अब इसका पता तो नहीं था हम लोगों के पास, तो ब्रूसी ने क्या दिमाग लगाया कि अगर इधर से हम लोग पुलिस का कॉप को ले लेंगे, मतलब पुलिस का कार को ले लेंगे सॉरी, तो उधर से हम लोग को रिकॉर्ड्स मिल जाएगा एंड रिकॉर्ड्स के अनुसार हम लोग रडार को ऑन करके उसके लोकेशन पर पहुँच सकते हैं। समझ रहे हो कितना दिमाग लगाया इस बार ब्रूसी ने? उस टकले के अंदर इतना दिमाग है मुझे पता नहीं था। तो फाइनली देखो, मैं तो पहुंच चुकी हूँ अभी उस टकले के, सॉरी वो जो ड्रग ट्रैफिकिंग वाला जो बंदा है उसके घर के पास, एंड उसको अभी मर्डर करना है, सीधी बात ठीक है ना। उसके घर में जाना है, घर तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मुझे पता नहीं क्या होने वाला है अंदर जाके। बट अभी आज के लिए इतना ही रखती हूँ। अगर आज की इस वाली एपिसोड अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और आगे का एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आप लोगों से कल एक नई सी गेम प्ले की वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टाटा टेक केयर।